सर, 2 दिन से जो है राकेश जी, बहुत अफवाह उड़ रही है कि आप लोग घर जाने वाले हैं, आंदोलन खत्म होने वाला है, इस तरीके की चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रही हैं। वो तो पिछले कई महीने से चला रहे हैं। नहीं, कई महीने से तो चला रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें जो है राकेश के साथ अलग थलग पड़ गए, इस तरीके से चीजें आ रही। यहाँ तो कोई अलग थलग नहीं है, ना कोई घर जा रहा है। नहीं, हम तो यहाँ दिख ही रहे हैं, लेकिन तो कौन जा रहा है? अच्छा बताओ, स्टोरी कर रही है ना? अरे कर लेने दो स्टोरी। हाँ। वे नाम तो ले रहे किसानों का। हाँ। वे स्टोरी करके ही नाम ले लेने दो ना, ले लो। नहीं तो अब ये भी चल रहा है कि किसान जत्थों में फूट पड़ गई है। फूट पड़ गई, कोई फूट नहीं। जहाँ एक तरफ सिंधु बॉर्डर पर जो किसान पंजाब के बैठे वो घर जाने को तैयार है, आप जाने नहीं दे रहे हैं मीडिया में। अजय, मैं तो इतनी दूर हूँ, मीडिया में चल रहा है। अच्छा, चलन तो मीडिया चर्चा तो कर रही है हमारा ही, और मीडिया हमारी चर्चा करते हैं। तो ये भी मीडिया कर रहा है, आज की छेड़खानी हुई है यहाँ पे महिला पत्रकार के साथ, ऐसा चला रहा है रिपब्लिक। और चलन तो वो तो रिपब्लिक तो भाई एक साल से चला रहा हमारे खिलाफ। हाँ, तो उन्होंने मालूम है सर, मैं आपको ट्वीट बता देता हूँ, अभी 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 खबर उन्होंने चलाई है, ब्रेक की है। हम लोग चूर राकेश टिकैत से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे, मैंने ये कहा कि मैं इंटरव्यू नहीं देना आपको। हाँ। आर भारत जी न्यूज को मुझे इंटरव्यू नहीं देना। हाँ। ये कहा। नहीं तो सर, मैं वही कह रहा हूँ कि बदतमीजी की और मौजूद सभी लोगों को भड़काया। क्या ऐसा होता है किसान नेता जो सैकड़ों की भीड़ के साथ महिला रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करता है? अच्छा, क्यों करें भाई? नहीं पता नहीं सर, ये इस तरीके, हमने कहा कि आर भारत और जी हिंदुस्तान को हमें इंटरव्यू नहीं देना। जब वे सुधर जाएंगे, उनके चैनल वाले अपनी बात बता देंगे, वे सुधर जाएंगे तो हम इंटरव्यू दे देंगे। हम सबको इंटरव्यू दे, छोटे से बड़े। हाँ। सबको इंटरव्यू दे। कभी एक साल से हमने लाखों इंटरव्यू दिए होंगे। और सर, ये भी हमारी कलीग है, 1.5 साल से यही है, आप आ सकते तो हैं। सब 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 बच्चों को 1.5 साल, चलो कोई, हम सब बच्चों को कहते हैं सीखो। हाँ। ये सीखने का टाइम है। हाँ। आप बड़े पत्रकार बनोगे। हाँ। सीखो सबको, हम तो सबको इंटरव्यू देते हैं, सबको सिखाते हैं और जो चीज होती है वो बताते हैं। सर, वही हम कह रहे हैं कि हम सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, हमारे साथ कभी बदसलूकी नहीं हुई, लेकिन ये लोग इस तरीके की चीजें चलाते हैं, लोगों को यहाँ पे छोड़ते हैं। हाँ। न्यूज़ सेंस करें, चलो वो इशू नहीं है। तो ठीक है जी, उनके चैनल, जब उनके चैनल जी मीडिया और रिपब्लिक को आप नहीं देंगे इंटरव्यू? हम इंटरव्यू नहीं हम दे रहे, हमने कहा कि उनके चैनल को सुधार करना पड़ेगा। वे परमानेंट हमारे खिलाफ चलाते हैं। बिल्कुल, वे बैठ के अपना बात कर ले कि भाई जैसे दूसरे चैनल है ऐसे ही आवे, तो रूटीन में कोई दिक्कत नहीं हमको। आप देखते भी उन्हीं चैनलों को? नहीं, मैं ये देख रहा आज। हाँ। मैं आज ये देख रहा हूँ। हाँ। कि वो चला क्या रहे? अच्छा, वो आवाज क्यों बंद कर दी? हाँ हाँ, वही वही आवाज बंद इसलिए कर दी कि जो हमने कहा वो देश की जनता ना सुने। अच्छा, लेकिन टिकैत जी, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, मीडिया में भी चल रहा है और किसानों में भी ये बहुत बातचीत हो रही है कि आपकी मांगे बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन मांगे बढ़ती जा रही है, हमारी वही है। सरकार जहाँ एक तरफ झुक रही है, आपकी नहीं, नहीं, क्यों, हम किसी सरकार को झुकाना नहीं चाहते। लेकिन सरकार तो झुक गई ना? नहीं, हम झुकाने नहीं चाहते। ना ना, नहीं नहीं, कोई सरकार नहीं झुकाना चाहते, नहीं किसी को झुकाने की लड़ाई, ना इसमें कोई झुका, ना इसमें कोई झुकाने वाला, ना इसमें किसी की हार हुई, ना इसमें किसी की जीत हुई। ये एक मसला है, उसका समाधान होना चाहिए। धन्यवाद, मोदी चल रहा है तो मोदी जी को धन्यवाद तो कह दीजिए। धन्यवाद, 750 किसान शहीद हुए। हाँ। तो मोदी जी ने उनके परिवार को कहा कि ये हुआ, जिस दिन वे ये मान जाएंगे कि हाँ किसी देश का किसान है ये, हमें वे जब किसान मान जाएंगे। हाँ। हम बिल्कुल धन्यवाद कह दिया कुछ किसान, आप कुछ किसान, आप लोगों को समझा नहीं पाए वो लोग। हाँ, समझा नहीं पाए, कोई बात नहीं। वही टिकैत जी, एक बात और मीडिया में आ जाई है कि 5 लोगों के नाम मांगे। हाँ, लोकसभा में ऑफिशियली बोला है, ऑफिशियली बोला कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है आपके, ना 750 या 700, उनके पास ऑफिशियल कोई डेटा नहीं। झूठ बोल रहे तो क्या करो उनका? सरकार सत्ता में झूठ बोलना भाई, रिकॉर्ड है तो वे आदमी हमें जिंदा दे तो कहाँ गए? नहीं, उन्होंने कहा कि डेथ हुई उनकी, हम कह रहे हैं कि उनकी डेथ यहाँ पे हुई, सरकार बता देगा फिर कहाँ? आज बोल दे सरकार, सरकार बोल दे। हाँ बोल, राकेश जी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि 3 बिल वापस सरकार ने? नहीं, वापसी हो जाएंगे, वे वापसी। टिकैत साहब, एक बात बताइए, जैसे ही हाँ हो गए, टिकैत साहब एक बात बताइए, जैसे ही MSP के कमेटी बनाने की बात हो रही है तो आप कमेटी पे मानेंगे या फिर कानून बन जाएगा? गारंटी कानून। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 4 तारीख से पहले या फिर अभी तो हो नहीं पाएगा, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो 7 साल से लंबा तो नहीं हो सकता? हाँ, 7 साल से लंबा वो नहीं हो सकता। वो कमेटी बनी थी 2011 में। हाँ। उस कमेटी के चेयरमैन थे मोदी जी, जी जब मुख्यमंत्री थे जी, जी। ये 7 साल पहले प्रधानमंत्री बन गए, अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देते, 7 साल से क्यों नहीं करी, देश को इसका मतलब धोखा दिया। हाँ। ये हमारा सब नहीं, तो वही साक्षी महाराज ने एक और बयान दिया है कि कानून तो आते जाते रहते हैं। कोई कोई बात नहीं, जब आएगा कोई चीज, अभी तो
हिरणा वापसी दे दी, जब कोई चीज जाएगा तो उस टाइम को क्या माना जाए 4 तारीख को आंदोलन खत्म होगा? हाँ मतलब ऐसी अफवाह चल रही है तो क्लियर कर दे। नहीं होगा मतलब कानून बनेगा तभी राकेश टिकैत यहाँ से उठेंगे। कानून और जो 55,000 के आसपास मुकदमे हैं वे वापसी होंगे। और टिकैत जी रवि किशन ने नरेंद्र मोदी को बता दिया है शंकर भगवान और विष्णु भगवान, वो जहर पिया है आप लोग मतलब उन्होंने देश हित में। हाँ कोई बात नहीं, देश का प्रधानमंत्री है तो भाई ये काम तो करनी पड़ेंगे। अच्छा राजा का मतलब क्या होता है? हाँ, आप बताएं प्लीज। राजा का मतलब यही तो हो कि राजा है तो सब के जो दुख है वे है तो राजा को ही तो कहेंगे, तो मोदी जी तो वही राजा है देश के। भाई वो तो वे बताएंगे। और गांवों में सर क्या खबर चल रही है कि मतलब खबर ये चल रही है कि आ मत जाना, कल कलशाने शुरू हो जाएंगे गांव के आदमी। अच्छा अपने अपने मोर्चे का पहरा गांव के लोग खुद देंगे। टिकैत साहब आपकी जो वीडियो है ना बहुत वायरल होती है गांव वाली कि गांव में ऐसा, तो गांव में कौन सा सैटेलाइट लगा है आपके? सब लग रहा है सिसौली में, सब लग रहा है, सारे लगे हैं वहाँ से, सारी चीजें मैनेज होती हैं। तो लास्ट हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब क्या मतलब लास्ट में 4 तारीख को क्या ये मतलब आंदोलन का क्या मतलब आगे का स्टेप क्या होगा? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा मतलब कब तक चलता? जब तक भारत सरकार नहीं मानेगी। तो आपको नहीं लगता जहां सरकार एक तरफ झुक रही तो किसानों को भी झुकना चाहिए थोड़ा? मुकदमे कौन लेकर जाएगा? 50,000 मुकदमे तो भाई ये जब पहले सत्ता में नहीं थे ये भी रोड जाम करते थे, इन्होंने क्यों लिए अपने वापसी? हम तो सरकार में ही है भाई, सड़क की सरकार में है। आपको सारे लोग आपको चुनाव लड़ाने के लिए चुनाव लड़ेंगे, मीडिया में चुनाव लड़वाएंगे मतलब सारे चैनलों को टिकट देंगे? वो कोई बात नहीं, आपको कहती है कोई बात नहीं, सारे लोग कहते हैं ये मीडिया को एक पार्टी बनाएंगे। अच्छा और उनसे फिर मीडिया वाले चुनाव लड़े, मीडिया वाले एक पार्टी बना लें, नहीं मीडिया वाले एक पार्टी बना लेंगे और उसी से सब चुनाव लड़ रहे। हाँ मीडिया को लड़वाना चाह रहे और उनका समर्थन मीडिया के मीडिया का तो प्रचार अपने आप ही हो जाता है। सारे बढ़िया चैनल है, कोई खराब चैनल कोई खराब। एक चीज और चल रही है कि किसान नेता अगर इतने आंदोलन कर रहे हैं तो वो किसान नेता कोई क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़के क्या करेंगे जब बिना चुनाव लड़े काम हो जाएगा तो धरने पे बैठेंगे, इससे तो अच्छा है अपनी पार्टी लाइए अलग से। हाँ ले आओगे पार्टी तो हमारी तो पार्टी है, सड़क की पार्टी ठीक है अपनी। हाँ हाईवे जाम कर लीजिए और हाँ ये सड़क सड़क की पार्टी ठीक है। भाई गुरनाम सिंह चौधरी का एक बयान और आया है परसों, उन्होंने कहा है कि हम पंजाब में कांग्रेस को देख लेंगे, तो इसका क्या माना जाए? हम इन पॉलिटिक्स उसमें जाते हैं, हमारा जो मुद्दा है वो भारत सरकार से है और जो हमारे इशू हैं वे इशू हैं हमारे, कौन क्या दे रहा कौन। टिकैत साहब आपको क्या लगता है सरकार कब तक मान जाएगी मतलब आपकी दवाई का असर तो होने लगा है ना? इस महीने तक मान जाएगी लास्ट तक, मतलब जनवरी से पहले हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। पहले हो जाएगा, पहले हो जाएगा। टिकैत जी अब ऐसा भी लग रहा है किसान आंदोलन में क्रेडिट को लेकर भी लड़ाइयां चल रही हैं। क्रेडिट प्रधानमंत्री ले ले इसका कुछ जो और तो मोदी चल रहा है तो क्रेडिट तो हाँ वही ले ले, वही काम करेंगे वही ले ले इसका क्रेडिट।